हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पनीर भुर्जी की रेसिपी बता रहे हैं। पनीर भुर्जी कैसे बनाते हैं रेस्टोरेंट में, सेम वैसी टेस्टी और स्वादिष्ट आप घर पे बना सकते हो बड़ी आसानी से। ये देखिए, इस टाइप से पनीर भुर्जी बनाया है हमने। बहुत ही आसान तरीका है इसको घर पे बनाने का। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी पनीर भुर्जी बनी है आज हमारी। ऐसी टेस्टी और स्वादिष्ट पनीर भुर्जी बनाने की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को अंत तक देखना, बहुत सारे सीक्रेट बताएंगे कैसे आप टेस्टी और स्वादिष्ट पनीर भुर्जी बना सकते हो। तो चलो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पनीर लिया है, 200 ग्राम समथिंग पनीर लिया है। थोड़ा सा धनिया, जीरा वन, एक प्याज, टमाटर, दो हरी मिर्ची ली। हरी मिर्ची को बारीक चॉप किया है और प्याज को बारीक बारीक चॉप किया है। इसी टाइप से टमाटर को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। इस टाइप से हमने पनीर को घिस लिया अच्छे से। घिसने से पनीर को अच्छे से घिस लिया। इस टाइप से हमने 200 ग्राम समथिंग पनीर हमने घिसा है आज, क्योंकि आज पनीर भुर्जी बना रहे हैं। एक फ्राई पैन लेंगे, अच्छा गरम करेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। 50 ग्राम समथिंग ऑयल ऐड किया है हमने। ऑयल गरम होने के बाद हरी मिर्ची ऐड कर दी है, थोड़ा सा प्याज और टमाटर। ये देखिए, सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 102 मिनट तक रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया गया। सभी मसालों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद पनीर ऐड कर देंगे। देखिए, हमने पनीर को ऐड कर दिया है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे। ऑलरेडी पनीर में हमारा नमक रहता है, थोड़ा सा नमक ऐड किया गया है। थोड़ा और चिल्ली पाउडर, कस्तूरी मेथी, किचन किंग ऐड कर दिया। सब मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे सभी को। थोड़ा सा जीरा और चटपटा बनाने के लिए गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया। इसको सबको अच्छे से फ्राई कर लिया है। हल्का हल्का चलाना है अपने को, हमारा पनीर थोड़ा चिपक जाएगा। हल्का हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए, हमारी पनीर भुर्जी बहुत ही अच्छी तरीके से बनके तैयार हुई है। इसी रेसिपी से आप पनीर भुर्जी बनाइए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट पनीर भुर्जी बनेगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, रोज़ नए नए वीडियो देखना। धन्यवाद, नमस्कार।